से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहाँ के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 और वचन 8। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण किया है। वचन संगीत के इस कार्यक्रम में विश्व भर के प्रेक्षकों को स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का अनोखा प्यार ही है। जब हम पाप में डूबे हुए थे, अंधकार में थे, प्रभु हमारे लिए अपना जान दे दिया, अपना आखिरी लहू हमारे लिए बहा दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब हमारे प्रभु की स्तुति करें, उसके अनोखा प्यार के लिए हम स्तुति करें, अपने हृदय से उसको धन्यवाद दे। हालेलुया। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और जग में यीशु आया स्वर्ग छोड़ के, हमारे सारे पाप सारे दंड जो है, जिसके लायक हम सब हैं, वो सारे वो क्रूस पर उठाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। और उस यीशु को हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं कि यीशु ऐसा प्यारा जो है, हमारे लिए आपने इतना बड़ा त्याग दिया अपने ही जिंदगी का। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और
और चंगाई दे दी है अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सारी आशीषें जो हैं, वो सिर्फ हमें उसी की मेहरबानी से मिल जाती हैं। काफी लोग जो हैं इस संसार में ईश्वर के आशीष को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है। आओ भाइयों और बहनों, हम उन्हें भी याद करते हैं और उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, जो भी लोग आपके आशीषों को महसूस नहीं कर पाते हैं, वे भी आपके आशीषों को महसूस कर सके इसी वक्त, इसी दौरान। और सारी जो आशीष हमारे जिंदगी में जो है, हमारी नौकरी है, चाहे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा घर है हमारे पास, और सारी जो हमें जिंदगी में खुशी देने वाली बातें जो दी हैं, उससे हम धन्यवाद के रूप में चढ़ाते हैं उस अनोखे प्यार करने वाले यीशु को। अन्न वस्त्र और सभी आशीषे दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे बनाया है, इसका मतलब यही है कि हे ईश्वर, हम शून्य हैं आपकी महिमा के सामने, तो हम कुछ भी नहीं हैं, और हम कुछ भी नहीं होते हुए भी आप हमारे लिए इस संसार में आए। ईश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब संसार में भेजा, और जब ये पुत्र हमारे लिए क्रूसित हुआ, तब हम पापी थे, जब हम घिनौने थे, उसी वक्त पर ईश्वर ने अपने प्राण की बलि हमारे लिए दिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, भर दिया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्यारे भाई बहनों, आज हम इस गीत के द्वारा, हम इस वचन के द्वारा और ये वचन से भरे गीत को लेकर आपके सामने आए हैं। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। यहोवा इरे, हम परमेश्वर का अनुग्रह, इसका अनुग्रह को हम महसूस करेंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, तो हम हर एक बातों को बिना झिझकते हुए, बिना डर के कर सकते हैं, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ 15वां अध्याय और 28 में इस तरह कहा गया है कि प्रभु यीशु
और पिता परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है। यशाया के 53 अध्याय में इस तरह कहा गया है कि उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जो दंड उसे मिला उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है और चंगाई मिली है। हम भेड़ों की तरह भटक गए थे, परंतु उस पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को बेचकर इस पृथ्वी पर क्रूस पर उसे मृत्यु का दंड देकर उस पुत्र को उसे बचाया नहीं, परंतु हम मानव जाति को उसने बचाया। हमारे पापों को प्रभु यीशु पर डाल दिया और प्रभु यीशु को उन्होंने श्रापित ठहराया ताकि हम आशीष पा जाए। और आज हम प्रभु का अनुग्रह को इस गीत के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब विश्वास के साथ इस गीत के द्वारा आप अनुग्रह की आशीष आप पर आ रही है, अनुग्रह की बारिश इस समय आप पर हो रही है। तो विश्वास के साथ इस गीत के द्वारा उस महान परमेश्वर को हम महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तू काफी है, तू
करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 25 और उसके आगे। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की, हम क्या खाए, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यो ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्यारे भाइयों और बहनों, कहा जाता है चिंता से बात बनती नहीं, बात बिगड़ती है। इस वचन को सुनने के बाद जरा हम अपने खुद के हृदय, खुद के मन की परीक्षा ले, जांच करें, क्या हम बात बात पर चिंता करते हैं। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि चिंता करके कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु ऐसे भी कहते हैं
कि जो व्यक्ति बात बात पर चिंता करते हैं उनका विश्वास बहुत कम है। विश्वास कम है इसीलिए वो चिंता करते हैं। और आज के इस युग में लोग तो बहुत अधिक चिंता करते हैं, इतना कि चिंता करने के बाद वो बीमार भी पड़ जाते हैं। अलग अलग तरह के बीमारी चिंता के कारण लोगों के जीवन में आते हैं। रात को वो ठीक से सो तक नहीं पाते, उनका दिमाग ठीक से काम तक नहीं करता। चिंता से हम सबको कोई लाभ नहीं, प्रभु यीशु यही बताना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में चिंता वाले बात नहीं आएंगे, चिंता वाले बात आएंगे, लेकिन मैंने अपने जीवन में यह सीखा है, चिंता करने से कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी, बात बिगड़ जाएगी। और मैंने ये भी देखा है, जब चिंता वाले बात मेरे जीवन में मुझे सताते हैं तो तुरंत मैं अपने घुटनों पर जाता हूं। इसका मतलब क्या है? जब चिंता वाले बात मुझे सताने लगते हैं, मैं अपना विश्वास जो विश्वास प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उस विश्वास का उपयोग करता हूं। जिस बात का मेरे जीवन में चिंता सताता है या चिंता सताना शुरुआत करता है, उस बात को लेकर मैं प्रभु के पास जाता हूं, क्योंकि लिए प्रभु ने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा। अगर कोई बात हमारे जीवन में चिंता का विषय बन गया है और अगर हम हमारे मुंह खोलकर हमारे ईश्वर से मांगेंगे नहीं तो कहां से वो हमें देंगे? प्यारे भाइयों और बहनों, जब किसी बात का चिंता हमें सताते हैं तो सबसे पहली बात याद रखना, दुनिया में सारे के सारे लोग चिंता सताते हैं, लेकिन चिंता में आगे बढ़ना है या नहीं ये हमारा निर्णय है। मैंने जैसे कहा, जैसे मेरे जीवन में चिंता शुरू होती है, तुरंत मैं उस चिंता के विषय को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करता हूं और देखते देखते ही प्रभु यीशु उस समस्या या उस परिस्थिति को हल कर लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगले बार जब आपके जीवन में किसी बात की चिंता आपको सताए, याद रखना अपने घुटनों पर जाना, अपने विश्वास को आगे बढ़ाना और बड़े विश्वास में प्रभु यीशु से प्रार्थना करना, प्रभु यीशु से मांगना, क्योंकि लिए मांगने पर प्रभु यीशु जरूर देते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें, आंख बंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे ये कृपा देना कि जब मुझे चिंता सताए तो मैं उस चिंता का विषय या उस व्यक्ति को तेरे पास समर्पित करूं। आमीन।